ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सीरीज़ में हम मौर्य वंश तक आ चुके हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने आचार्य चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। आज बारी है मौर्य साम्राज्य के अगले शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ने की। तो दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियोस आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा आपसे आग्रह है कि पहले आप उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इन वीडियो पर आइए। तो दोस्तों, बिंदुसार के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र ही था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजकाज छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था, तब राज्य की पूरी जिम्मेदारी बिंदुसार के कंधों पर आ गई थी। बिंदुसार ने आचार्य चाणक्य की सहायता से राजकाज को बहुत ही अच्छे से निभाया, लेकिन जैन धर्म के इतिहास में इनकी छवि थोड़ी सी धूमिल सी दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है धूमिल सी? क्योंकि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य और इनका पुत्र सम्राट अशोक एक बहुत ही महान शासक थे। इनकी महानता के आगे बिंदुसार की महानता थोड़ी सी धूमिल सी दिखाई पड़ने लगी। इनके पिता तथा इनके पुत्र की इस महानता के कारण बिंदुसार को पिता का पुत्र तथा पुत्र का पिता नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? अगर नहीं तो आइए आपको इनके और इनके जन्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताते हैं। बिंदुसार की मां का नाम दुर्धुरा था। जैन साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा राजनीतिक सलाहकार आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में जहर देते थे। उस समय विष कन्याओं की वजह से राजाओं के साम्राज्य को हथियाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते थे और चंद्रगुप्त की बॉडी को जहर से इम्यून रखने के लिए चाणक्य ऐसा किया करते थे ताकि अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाए, कोई विष कन्या अगर चंद्रगुप्त मौर्य को विष दे भी दे तो उसका ये विष निष्फल हो जाए। चंद्रगुप्त की वाइफ दुर्धरा इस बात से अनजान थी। एक दिन उन्होंने चंद्रगुप्त के लिए लाए गए खाने में से थोड़ा खाना खा लिया। दुर्धरा उस वक्त गर्भवती थी और बस 7 दिनों के बाद ही बिंदुसार का जन्म होने वाला था। दुर्धरा अपने पति चंद्रगुप्त की तरह जहर नहीं सह सकती थी और नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। जब चाणक्य को इस बात का पता चला, वैसे ही चाणक्य उसी समय उनके कमरे में आए और उनका पेट चीर दिया ताकि गर्भ में मौजूद बच्चे को बचाया जा सके। चाणक्य ने तुरंत बच्चे को इस तरह गर्भ से बाहर निकाल लिया। जब चाणक्य ने बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला तब जहर की कुछ बूंदें सिर तक पहुंच चुकी थीं। उसी के कारण बच्चे के सिर पर एक स्याही जैसी आकृति बन गई, एक बिंदु, स्याही का बिंदु जैसी आकृति बन गई। इसी वजह से उस नवजात शिशु का नाम बिंदुसार रखा गया। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स या फिर अलित्रोचेडस के नाम से पुकारा है। विद्वानों के अनुसार इन शब्दों का संस्कृत में अर्थ अमित्रघात होता है। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। और जैन धर्म के लोगों ने बिंदुसार का नाम सिंहसेन रखा है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए कि जैन धर्म के लोगों के अनुसार बिंदुसार का नाम क्या था? वो था सिंहसेन। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है। बिंदुसार के कई सारे नाम थे तो वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है और चाइनीज़ ग्रंथ इसके अकॉर्डिंग इनको बिंदुपाल कहा गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मनुष्य एक, नाम अनेक, ये सारे नाम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। दोस्तों, तारानाथ ने लिखा है कि बिंदुसार और चाणक्य ने लगभग 16 नगरों के राजाओं को नष्ट किया और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच सारे प्रदेश को अपने आधिपत्य में ले लिया। इससे प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत की विजय बिंदुसार ने की, लेकिन जैन अनुश्रुतियों के अनुसार यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कर लिया था। अशोक के अभिलेखों से यह पता चलता है कि दक्षिण भारत मौर्य साम्राज्य में पहले से ही सम्मिलित था। अशोक ने केवल एक राज्य को जीता, कौन सा राज्य था वो? कलिंग। हम सभी जानते हैं कलिंग के अलावा पहले सारे राज्य जीते जा चुके थे मौर्य साम्राज्य के द्वारा, इसलिए दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार ने ही सारी जो भी जीत हुई थी ये सब चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार ने ही की थी। बिंदुसार एक आनंद प्रिय शासक थे। ये मित्रवत संबंध बनाने में अधिक बिलीव करते थे, इसलिए यह अधिक संभावना है कि यह कार्य जो साउथ इंडिया को पूरा जीतने का कार्य था उसको चंद्रगुप्त ने ही किया होगा। बिंदुसार एक शांति प्रिय शासक थे, लेकिन इनके दरबार में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ,
तथा दूसरा विद्रोह, इसका कारण अभी तक अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रशासन की सुविधा के लिए बिंदुसार ने पूरे भारत को छोटे छोटे मंडलों व नगरों के रूप में बांट दिया। प्रत्येक मंडल व नगर का एक राज्यपाल होता था। कहीं कहीं पर राज्यपाल को उपराजा, प्रधान, सामंत आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, दिव्यावधान, जिसका मतलब होता है दिव्य कथाएँ, यह एक बौद्ध कथाओं का ग्रंथ है। इसके अकॉर्डिंग अशोक अवंती का राज्यपाल था तथा बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद होती थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दिव्यावधान, जो कि एक बौद्ध कथाओं का ग्रंथ है, इसके अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद होती थी। 500 सदस्य, सोचो कितने सारे सदस्य होते थे इनकी मंत्रिपरिषद में, और हों भी क्यों ना, पूरे भारत देश को जो कंट्रोल रखना था। और इन पूरे मंत्रिपरिषद का प्रधान खल्लटक था। कौन था इनका? खल्लटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको पता है बिंदुसार ने कौन सा संप्रदाय को फॉलो किया था? जैसे इनके पिता ने जैन धर्म को फॉलो किया था, इनका पुत्र अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था, वैसे ही बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय को फॉलो किया था इन्होंने। बिंदुसार के समय में भारत का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छा था। पश्चिमी एशिया के लोगों से इनके जो ट्रेड रिलेशन थे वो बहुत ही अच्छे थे। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया। तो आपको बताना है कि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। और डायमेकस कौन था? ये सीरियन नरेश एंटियोकस का एक राजदूत था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरियन नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। दोस्तों, एथिनियस कौन था? यह एक यूनानी राइटर था। इसने बताया, इसकी जो लिखी हुई बुक है उसके अकॉर्डिंग बिंदुसार ने सीरियन नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। कौन कौन सी वो 3 वस्तुएं? पहली थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखे अंजीर, और तीसरा था एक दार्शनिक। सीरियन नरेश ने मदिरा तथा सूखे अंजीर तो भेज दिए, पर दार्शनिक को नहीं भेजा। उसने बोला कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक का विक्रय नहीं होता है तथा यहाँ के कानून के खिलाफ है दार्शनिक को विक्रय करना। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे बिंदुसार थे, इन्होंने कौन कौन सी वस्तुएं की मांग की और किससे मांग की। तो इन्होंने जो 3 वस्तुओं की मांग की थी वो थे मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। और किससे मांग की थी? सीरियन नरेश। कौन थे सीरियन नरेश? एंटियोकस। और ये सारे वाक्य को किसने बताया? एथिनियस ने, जो कि एक यूनानी राइटर था। और उन्होंने मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? उन्होंने बोला कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ हैं, हम अपने यहाँ दार्शनिक का विक्रय नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बिंदुसार ने कुल 25 वर्षों तक शासन किया और 273 ईस्वी तक राज्य करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, इसी के साथ ही बिंदुसार, जो कि आज का टॉपिक था, हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको स्टोरी आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज का टॉपिक बिंदुसार को यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के बताएं, और अगर कुछ अच्छी बात लिखी है उसको भी हमें इन्फॉर्म करें। धन्यवाद।